नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, हरियाणा रोडवेज की लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं आया? अगर अभी तक आपका नाम हरियाणा रोडवेज की लिस्ट में नहीं आया है, और तो उसके लिए हरियाणा रोडवेज की जो वेबसाइट है वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, शायद आप उनमें से किसी क्राइटेरिया को फिलअप नहीं कर पाए होंगे। अगर आप फिर भी उन सारे क्राइटेरिया को फिलअप करते हैं, उसके बाद भी आपका नाम नहीं आया है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो सारी बातें डिटेल से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ हरियाणा रोडवेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जो कोई भी वीडियो डाली जाती है, जो कोई भी अपडेट आता है, उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहेगा। और दोस्तों, हमने अभी कुछ दिन से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी समस्या होती है, तो आप हमसे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम ख़राब किए, और आपको ले चलते हैं हरियाणा ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो नोटिस है ये आपको डाउनलोड करना है, जो पहले वाला है, पोस्ट ऑफ कंडक्टर ऑफ आउटसोर्सिंग फेज़ टू, ठीक है, वो मैं आपको डाउनलोड करके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नोटिस डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम, मैं पहले ये डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यह हम हरियाणा ट्रांसपोर्ट डॉट ऑर्गेनाइजेशन डॉट डॉट जी ओ वी डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। तो मैं ये नोटिस पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, जो पहले वाला नोटिस है वो आपको डाउनलोड करना होगा। मैं वो पहले डाउनलोड करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या दिया गया है, क्या दिक्कत है आपके साथ, ठीक है, क्या कुछ प्रोविज़न है कि आपका नहीं हो पाया, नाम नहीं आया। तो देख पा रहे हैं आप, एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कंडक्टर अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट टू कैन रेज देयर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फ्रॉम 31/10/2018 टू 3/11/2018। अगर आपको डाउट है कि आपका जो नाम है वो आने वाला था और आपका नाम नहीं आया, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 3 नवंबर 2018 तक, ठीक है। सारे जो कागजात हैं वो आप जनरल मैनेजर के अकॉर्डिंग क्या है, पेश कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ वैकेंसी दी गई हैं, कौन से डिपो में कितनी वैकेंसी थी, ये सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन, जो क्राइटेरिया क्या रखा गया था, अगर आप उनमें से सारे क्राइटेरिया को फिलअप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका नाम नहीं आया, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन के में क्या दिया गया था, तो मैट्रिक्स के लिए क्या है, 100 मार्क्स दिए गए थे, 100 नंबर जो आपके मैट्रिक के थे। अगर आपने मैट्रिक में 68.4% लिए हैं, तो आपके 100 में से 68.4 जो नंबर है लगा दिए जाएंगे। अगर आपके पास 10वीं के अलावा 12वीं, ITI, डिप्लोमा या कोई और डिग्री है, तो उसके लिए भी मार्क्स रखे गए हैं 20। अगर आपके उनमें 70% से ऊपर मार्क्स हैं, तो आपके 20 में से 14 नंबर लगा दिए जाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन के 20 मार्क्स रखे गए थे, 20 नंबर रखे गए थे। अगर आपके ग्रेजुएशन में 70% से अभाव हैं, तो उसमें से आपके 20 में से 14 नंबर लगा दिए जाएंगे। अब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के भी 20 नंबर रखे गए हैं। टोटल जो जो पेपर है वो 160 मार्क्स के अंतर्गत जो है, जो लिस्ट लगाई गई है, ठीक है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन 70+ मार्क्स से है, परसेंट से, तो आपके 14 नंबर लगा दिए जाएंगे 20 में से। अब इसमें नोट पढ़ने वाली बात ये है, इसमें दिया गया है, अगर एक कैंडिडेट हैज़ मोर देन वन ऑफ द क्वालिफिकेशन, अगर उसके पास एक से अधिक क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए उसके पास 12वीं, ITI, डिप्लोमा, तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसका कौन सा जो चीज़ है वो कंसिडर करा जाएगा, ये देखिए। जैसे आपके 12वीं में क्या है, 68% मार्क्स हैं, ठीक है, लेकिन ITI में आपके 70% मार्क्स हैं, तो आपका ITI कंसिडर करके नंबर लगाए जाएंगे, यानी कि आपके 14+ मार्क्स लगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कहने की बात है, अगर आपके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, तो आपकी जिस क्वालिफिकेशन में ज़्यादा मार्क्स हैं उसे कंसिडर किया जाएगा। और ये देखिए सबसे बड़ी बात दी गई है, नो मार्क्स फॉर एक्सपीरियंस बट मिनिमम 10 ईयर ओल्ड कंडक्टर लाइसेंस टू बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। तो कहने का मतलब ये है, जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का कोई भी मार्क्स नहीं लगा है, लेकिन आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए। वो कब से काउंट होगा, जब ये जो पब्लिक ये प्रकाशित किया गया था ये फॉर्म, ठीक है। तो सारी बातें इसमें दी गई हैं, तो देखिए ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। अगर आप इनमें से सारी चीज़ें जो हैं फिलअप कर पा रहे हैं, जैसे आपके सारे मार्क्स भी ठीक हैं, मैट्रिक्स में 10+2 में आपके 70% है, ग्रेजुएशन में भी आपके 14+ मार्क्स लगे हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके 14+ मार्क्स लगे हुए हैं,
तो आप मान लीजिए कि अगर आपको फिर भी डाउट है ना कि भाई मेरा नाम आने वाला था लेकिन मेरा नाम नहीं डाला गया, तो आप 3/11/2018 तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो याचिका है उस पर क्या है, एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने के बाद आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।